अभी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, भाई श्री राजकुमार जी रोज साहब भी हमारे बीच में आए और उन्होंने माला पहनी कि हमारे इन पुरखों ने जो अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ने के बाद में हमारे पुरखों ने हमें जो आरक्षण व्यवस्था दी, हमें जो हक अधिकार दिए, उन हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया और हमने 4 MLA हमने विधानसभा में भेजे। ईडी नो डर ने गेडी नो डर नहीं है वणे समाज ने दलाली करी करी ने आपड़ा केर परिया आपड़े हाथी रेवाड़ मोरी कीधा आपड़े हाथी रेवाड़ ने केर परिया समाज हम कारी में जोयो। मारा भाई आप सब की एक अनुरोध करना चाहूं कि आए की कुदरत की शपथ ले जो क्या हम इस एक सभा से हमारे हक अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम इस तरह से बार बार सभा करते रहेंगे? क्या हमारे हक अधिकार प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। परंतु हमें जो एक अधिकार मिला है जिसको हम मतदान कहते हैं, उस मतदान का सही उपयोग करना और दूसरों को सिखाना है कि हमारे मतदान का सही उपयोग करना। हमें सांसद नहीं जिताना है, हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है, हमारे पुरखों ने जो लड़ाइयां लड़ी और इनकी बदौलत हम इस समाज की जाजम पे बैठने लायक हुए, हमें जो व्यवस्थाएं मिली उस व्यवस्था को दिल्ली में भेजना है। मोदी ने वोट आला, मोदी हूं कह रहे रोट आलवाल, हमें मोदी नहीं, हमें राहुल गांधी नहीं, हमें राजकुमार जी नहीं, हमको हमारी आवाज भेजनी है दिल्ली में। सीतरा अपनी काकेर में बीजा सीतरा नहीं पड़ा बच्चे, पाडा अपनी काकेर में बीजा पाडा नहीं पड़ा बच्चे, कूतरू अपनी काकेर में बीजा कूतरा नहीं पड़ा बच्चे, क्योंकि उनको पता है भले वो हमारा जाति भाई है पर हमारी टेरिटरी में आ जाएगा तो हमारी जमीन ले लेगा, हमारे खाने पीने का संसाधन ले लेगा। यही व्यवस्था कुदरती शक्ति से हमारे पुरखों ने लागू करी थी कि हमारे गांव के मुखिया के बिना पूछे कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। आज हमारे समाज के दलाल नेता हमारी जमीनों पर खनिजों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, हमारे समाज के साथ में जो दलाली कर रहे हैं। और हमने जो इस आरक्षण का अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण महासम्मेलन रखा है, आज आप ये सोचते हो कि ये जनसंख्या आ गई सफल हो गया, इसको आप सफल मत मानना। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आएगा, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, उस दिन भारत आदिवासी पार्टी बोले जीतेगी और दिल्ली में जाके जब आदिवासी की आवाज गूंजेगी कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में हमारी व्यवस्था के अनुरूप आरक्षण को लागू करो, ये बात जब जाएगी तब जाके आपका ये महासम्मेलन सफल होगा मेरे भाई।